जब भी हम लोग कोई खाने पीने का सामान प्लास्टिक में रखते हैं तो जब उसको खाते हैं तो हमेशा एक डाउट सा बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लास्टिक में जिसमें हमने रखा हुआ अपना खाना वो हमें किसी भी तरीके से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसकी मेन वजह ये है कि हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सी प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और कौन सी प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां वो दे सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम आज बात करेंगे इन्हीं प्लास्टिक्स के बारे में कि ये प्लास्टिक्स को हम कैसे पहचानें कि कौन सी प्लास्टिक जो है हम यूज कर सकते हैं और कौन सी प्लास्टिक को हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए किसी भी अपने खाने पीने के सामान को रखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात कर रहे हैं मेनली प्लास्टिक सिलेक्शन के बारे में, क्योंकि हम लोग अक्सर ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सी प्लास्टिक हमें यूज करनी चाहिए और कौन सी प्लास्टिक हमें बिल्कुल नहीं यूज करनी चाहिए अपने खाने पीने के सामान को रखने के लिए। क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि सारी प्लास्टिक डिफरेंट प्रकार की होती हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर यही मानते हैं कि सारी प्लास्टिक एक ही प्रकार की होती हैं और उनका जो मटेरियल होता है जिनसे वो प्लास्टिक बनी होती है वो एक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक्स भी कई तरीके की मटेरियल से बनी होती है जिनको सिंपली रेजिन बोलते हैं। तो रेजिन्स, बहुत प्रकार के रेजिन्स होते हैं जिनसे प्लास्टिक बनती है। दोस्तों, आज के इस समय पे जिसे हम लोग प्लास्टिक युग बोलते हैं, तो इस समय पे प्लास्टिक को अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, चाहे वो बॉटल्स हो या फिर टिफ़िन हो या फिर आप कोई भी ऐसा बॉक्स हो या फिर डिब्बे वगैरह हैं जिनमें आप अपने खाने पीने का सामान रखते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी तरीके से हम प्लास्टिक को बच सकें। बट इस समय पे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि कॉपर की बॉटल्स भी आ गई हैं और ग्लास बॉटल्स भी आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नई स्टील की भी बॉटल्स आ गई हैं या फिर स्टील के डिब्बे वगैरह आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी भी उनको यूज करना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि वो थोड़ा उनको कैरी करना, उनको मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग ये जान लेते हैं कि प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक हमारे लिए ख़तरनाक है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, हम चीज़ों को पहचान पाते हैं इजली कि हाँ चलिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्लास्टिक को हम लोग जो है कैसे पहचानेंगे। तो प्लास्टिक को बेसिकली हम लोग 7 भागों में बांटते हैं और ये बांटा गया है मेनली जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम को, इस पर SPI ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। SPI का मतलब होता है सोसाइटी फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री, और 1988 में इसको बनाया गया था। उसमें मेनली जो है 7 ग्रुप्स जो हैं लिए गए हैं, 7 ग्रुप में ही इनको बांटा गया है जिससे कि इजली हम लोग पहचान सकें। तो इसके लिए होता ये है कि जब भी हम लोग कोई प्लास्टिक की बॉटल लें या फिर कोई भी प्लास्टिक के हम लोग बॉक्स लें या फिर डिब्बे वगैरह लें, उसको आप उलट पलट के देखिए तो आप हमेशा देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं पे एक सिंबल दिखाई पड़ेगा। उसमें क्या होता है, सिंबल में एक चेंजिंग रोज होती हैं और उसमें बीच में 1, 2, 3, 4, 6, 7 ये डिजिट लिखे रहते हैं। SPI ग्रेडिंग सिस्टम में सबसे पहला जो होता है जिसमें 1 लिखा रहता है और एक चेंजिंग एरो होती है उसके चारों तरफ, और नीचे लिखा होता है PET। आपने अक्सर ये वाटर बॉटल्स में देखी होंगी जो हम लोग पानी के लिए बॉटल्स खरीदते हैं, फ्रिज में वगैरह में रखते हैं, और इसके अलावा ये हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में भी देख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बॉटल्स आती हैं जैसे कि पेप्सी या कोको कोला, और इस तरह से मेडिसिनल जार वगैरह जिसमें कफ सिरप वगैरह और भी बहुत सारी मेडिसिंस आती हैं उसमें अभी आप देख सकते हैं इनको, ऐसे बहुत सारी जगह पर यूज होती हैं ये। तो अब इसकी जो फर्स्ट नंबर की जो ये बॉटल होती है या फिर सबसे कहेंगे फर्स्ट नंबर की जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, इसमें खास बात ये है कि ये एक सिंगल यूज प्लास्टिक होती है। सबसे बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि ये एक सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, और दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो इसको सिंगल यूज के लिए भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है हमारी सेहत को। तो लेकिन क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई बॉटल परचेज करते हैं या फिर हम सीधे सिंपली कहें कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, वो एक 1 लिखा रहता है, उसमें नीचे PET लिखा रहता है कि मतलब इसका रेजिन जो है ये किससे मिलकर बनी है, पॉलीएथिलीन टेरिप्टलेट से बनी है, तो ये उससे बनी होती है और उसमें लिखा होता है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, लिखा भी रहता है, आप कभी पढ़िए उसको जो है सिंगल यूज प्लास्टिक। बट हम लोग क्या करते हैं, उसको महीनों यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं, हमेशा महीनों यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जब महीनों यूज करते हैं उसमें तो कुछ बहुत सारे केमिकल जो हैं उसमें रिसने लगते हैं, उससे हमारा जो भी हम पानी वगैरह रखते हैं उसमें रिसने लगता है, और उसमें एक बहुत ही जो ख़तरनाक एक एंटीमनी एक वो होता है मेटल होता है वो उसमें आ जाता है, जो पानी के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है, जो हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा बीमार बनाने के लिए, बीमार करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वो नुकसानदायक है ये मान लीजिए आपको। तो
इसके अलावा एंटी मनी के साथ साथ बीपीए भी निकलता है, और ये चीज़ तब और ज़्यादा हो जाती है, तब और विग्रस हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है, जब इसमें इस प्लास्टिक की बॉटल्स में हम कोई गर्म चीज़ डालते हैं, या फिर इसको हम लोग गर्म करते हैं, या फिर जिस धूप वगैरह में रखी रहती है, या फिर आप अगर कार में रखते हैं बॉटल और कार काफ़ी गर्म हो जाती है गर्मियों में, उस कंडीशन में भी अगर इन वाटर बॉटल्स हैं उसमें अगर आप इस तरह का रखेंगे तो ये मान लीजिए कि वो आपको जो भी उसमें चीज़ें रखी हैं आपने पीने के लिए वो आपको नुकसान पहुंचाएगी ही। फिर इसके बाद हम नंबर दो पे आते हैं कि आपको कहीं भी प्लास्टिक का कोई भी सामान होगा उसके नीचे दो लिखा रहेगा और चेजिंग एरो रहेंगी, और उसके नीचे HDPE भी लिखा हो सकता है कि मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन, और ये कहें कि ये नंबर एक की कंपैरिजन में काफ़ी सेफ़ होती है। जो एक नंबर का होता है वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अगर दो नंबर की आपको बॉटल मिलती है जिसके नीचे दो लिखा हो, या फिर कोई भी ऐसा कोई डिब्बे वगैरह हो जिसमें, या फिर लंच बॉक्स हो आपका, अगर उसमें दो लिखा है तो ये मान लीजिए कि एक की कंपैरिजन में दो वाला काफ़ी सेफ़ है। और इसको बहुत सारी मेडिसिन्स में, मेडिसिन की बॉटल्स में उसमें आती है, पानी की बॉटल्स में भी आती है, इसके अलावा शैम्पू की बॉटल्स, तेल की बॉटल्स, या फिर हम कहें कि बच्चों के खिलौने वगैरह, वो सब इसी प्लास्टिक से बने होते हैं। और इसको हम लोग सेफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह का मेटल्स, हैवी मेटल्स लीच नहीं होते, मतलब कि अगर इसमें हम लोग कोई भी चीज़, खाने वाली चीज़ रखते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा हानिकारक केमिकल इसमें लीच नहीं होता है। देन इसके बाद नंबर आता है तीन। आपको कहीं भी प्लास्टिक में तीन लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिए वो सबसे ख़तरनाक प्लास्टिक है, क्योंकि वो बनी होती है PVC से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से, और PVC का यूज होता है मोस्टली बहुत सारे जो खिलौने, घटिया क्वालिटी के जो खिलौने होते हैं, या फिर घटिया क्वालिटी के जो फर्नीचर वगैरह आते हैं, या फिर जो है अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं जो चीज़ें, उसमें अधिकतर यूज करते हैं। और ये पानी की टंकियाँ, या फिर जूतों के सोल बनाने में, या फिर पाइप्स वगैरह बनाने में, या फिर जो है आपने देखा होगा PVC पाइप्स वगैरह आते हैं इस तरह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इसको यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, कार के जो इंटीरियर वगैरह होता है वो भी इसी से बनाते हैं, और इसके अलावा जो है प्लास्टिक के कर्टेंस वगैरह आते हैं वो भी इसी से बनाते हैं, और फर्नीचर वगैरह मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत सारे फर्नीचर्स वगैरह जो होते हैं जो कि ड्यूरेबल नहीं होते हैं वो भी इसी से बने होते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये अगर नंबर थ्री लिखा हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आपका कहीं भी कोई बकेट, बाल्टी वगैरह भी है, इवन अगर नंबर थ्री लिखा है तो उसको आप ना ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बनी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड से, PVC से, जो एक बहुत ही हानिकारक केमिकल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नंबर चार के बारे में। और नंबर चार अगर कहीं भी लिखा होता है उसके चारों तरफ एरो बने होते हैं तो ये नंबर चार की प्लास्टिक है। इसको हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन भी बोलते हैं। उसके नीचे लिखा हो सकता है, जिसे LDPE लिखा होगा, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, तो आप समझ लीजिए कि नंबर चार की प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक अगर सेफनेस की बात करूँ कि कितनी सेफ़ है, तो लगभग नंबर दो के बराबर सेफ़ है, मतलब काफ़ी हद तक सेफ़ है अब ये कह सकते हैं। तो और आखिरी में मैं इस वीडियो में, हाँ मैं आपको बता दूँ कि आखिरी के इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि ये प्लास्टिक को मैं तीन जोन में बांटूँगा, जो ग्रीन, फिर इसके बाद येलो एंड रेड। जो सबसे सेफ़ होगी वो ग्रीन, फिर देन इसके बाद येलो, और जो सबसे ख़तरनाक प्लास्टिक होगी उसको मैं रेड रीजन में रखूँगा, रेड जोन में रखूँगा। तो ये जो लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन है, ये प्लास्टिक नंबर चार की है, ये एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होती है, जैसा कि नाम से ये है कि लो डेंसिटी होती है। इसमें जैसे प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं पॉलीथीन के, उसमें ये होती है, और उसके अलावा रैप करने के लिए जो प्लास्टिक आती है, किसी भी फूड आइटम को जो ऊपर से रैप करते हैं उसमें यूज होती है। इसके अलावा स्क्विजेबल बॉटल्स, जो दवा के हम लोग जो स्क्विज करते हैं उन बॉटल्स में भी इसका यूज होता है। और सेफनेस की मैंने आपको बता दी है कि लगभग नंबर दो के बराबर सेफ़ है ये, मतलब काफ़ी हद तक सेफ़ है, नंबर तीन से और नंबर एक से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर पाँच के बारे में। नंबर पाँच के प्लास्टिक जो है, तो ये आपको अक्सर पानी की बॉटल्स में मिल जाएगी, जो अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स होती हैं उसमें अक्सर नीचे पाँच लिखा होगा और चेजिंग एरो बना होगा, आप पहचान लेंगे, और साथ में नीचे PP भी लिखा हो सकता है, या फिर सिंपली PP लिखा होगा, मतलब पॉलीप्रोपाइलिन की, मतलब ये बॉटल जो है पॉलीप्रोपाइलिन की बनी हुई है। और इसकी सेफनेस की बात करूँ तो ये सबसे सेफ़ मानी जाती है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होती है ये पॉलीप्रोपाइलिन इतना हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाती है, और इतनी सेफ़ मानी जाती है कि आप इसको जो है माइक्रोवेव के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ जो है यही जिसमें पाँच लिखा हो वही आप जो है, कोई भी बर्तन हो, प्लास्टिक का कोई बर्तन हो, उसी को आप यूज कीजिए माइक्रोवेव के यूज के लिए, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और नंबर पाँच की प्लास्टिक का यूज लगभग वाटर बॉटल्स में मैंने जबकि जैसा कि बताया आपको, इसके अलावा लंच बॉक्स वगैरह जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं उनमें भी आपको मिल जाएगा, अच्छे कंटेनर्स वगैरह आते हैं उनमें आपको मिल जाएगा,
इसके अलावा जो है बड़े बड़े जग आते हैं प्लास्टिक के, उनमें भी आपको मिल जाएगा नंबर 5 की। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 भी लिखा रह सकता है और इसके नीचे भी लिखा रह सकता है PS, जिसका मतलब होता है पॉलीस्टायरीन, मतलब कि इसका जो रेजिन है ये बनी है किससे, वो पॉलीस्टायरीन से बनी होती है। और इसमें मेनली जो डिस्पोजेबल जो आइटम होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास प्लेट्स ये मान लीजिए वो इसी से बनी होती हैं। इसके अलावा जो है, और ये प्लास्टिक जो होती है ब्रिटल होती है, हार्ड होती है, और ये जैसे कि इसमें CD DVD हेलमेट्स वगैरह ये सब इसी से बने होते हैं, और जो डिस्पोजेबल जो स्पून वगैरह या चम्मच वगैरह आते हैं वो भी इसी से बने होते हैं। और इसके बात करें सेफ्टी लेवल की बात करें तो बहुत ही डेंजरस प्लास्टिक है, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ख़ासतौर से वो लोग ध्यान दें जो डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह यूज करते हैं, और ख़ासतौर से डिस्पोजेबल ग्लास में अगर आप चाय वगैरह या कॉफ़ी पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहता है इसमें, इस केसेस में। तो नंबर 6 की प्लास्टिक है, बिल्कुल मत यूज कीजिए। पॉलीस्टायरीन बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है, जब आप इसमें कोई चीज़ लंबे समय तक रखे रहते हैं या फिर जो है इसमें गर्म चीज़ डाल के पीते हैं तो पॉलीस्टायरीन जब उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और जब शरीर में जाता है तो बहुत ही ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक होती है। और ये मान लीजिए कि हमें वो कैंसर भी कॉज करता है, न्यूरोटॉक्सिन्स हमारे मतलब कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड या फिर जो और भी तंत्रिका तंत्र जैसे बोलते हैं वो डिस्टर्ब होता है इससे। और इसके अलावा जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको भी डिस्टर्ब करती है। तो ओवरऑल ये कह दीजिए कि बहुत ही डेंजरस प्लास्टिक है, आप नंबर 6 की प्लास्टिक बिल्कुल भी ना यूज किया करें। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 7 नंबर की प्लास्टिक की। 7 नंबर जिसमें लिखा होता है, ये कह सकते हैं कि ये पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 के अलावा जो जिससे भी प्लास्टिक बनी होगी वो नंबर 7 में रखी जाती है। और इसकी सेफ्टी की बात करें तो कभी ये सेफ़ होती है, कभी बिल्कुल अनसेफ होती है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का हमें पता नहीं रहता कि ये अगर जैसे किसी में बॉटल में अगर वाटर बॉटल्स बहुत अच्छी कंपनी की भी आती हैं उसमें 7 नंबर लिखा रहता है, तो अगर ये 6 के अलावा जो है ये 7वां जो कोई भी है जो 6 में नहीं आता है वो 7वें में रखा जाता है, इसमें हम डाउट कर सकते हैं कि इसको हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या हार्मलेस है। अब हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं कि कौन सी प्लास्टिक हम लोगों के लिए सेफ होती है। तो पहले नंबर की प्लास्टिक मैंने बताई तो ये सेफ नहीं होती, या फिर हम ये कह देंगे अगर सेफ है तो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। अब इसको अगर एक बार यूज करते हैं तो ठीक है, अगर आप इसको बार बार यूज करते हैं लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये कतई सेफ नहीं है। देन इसके बाद 2, 4 और 5 की प्लास्टिक सेफ कह सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद 3, 6, 7 जो नंबर प्लास्टिक है वो बिल्कुल ना यूज करें, 7 नंबर में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इनको प्लास्टिक को बिल्कुल ना यूज करें। मतलब सबसे सेफ़ कौन होगी, 2, 4 और 5 नंबर की प्लास्टिक, ये सबसे ज़्यादा सेफ रहती है। जो अच्छी कंपनी की बॉटल देखेंगे तो वो आप इन्हीं में देखेंगे, खासतौर से नंबर 5 जो लिखा रहता है, टपरवेयर वगैरह कंपनियाँ हैं तो उनमें मोस्टली अधिकतर 5 ही नंबर के जो है बॉटल्स आपको मिलेंगी या कंटेनर्स आपको मिलेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं इसको प्लास्टिक को अगर रेड और येलो और ग्रीन जोन में रखूं तो मैं कहता हूं कि 1 जो है वो रेड जोन में आती है, देन इसके बाद 2 नंबर जो प्लास्टिक है वो येलो में आएगी, 3 रेड में आएगी, 4 येलो में आएगी, 5 भी येलो में आएगी और 6 रेड में आएगी, और 7 रेड या येलो दोनों हो सकती है। तो फिर इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आप कहेंगे कि इसमें ग्रीन जोन तो है ही नहीं, तो मैं कहूँगा कि प्लास्टिक कभी ग्रीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी प्लास्टिक आपको बिल्कुल भी ना नुकसान करती हो। प्लास्टिक हमेशा हार्मफुल है, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती है, तो आप इससे जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, नहीं कर सकते हैं तो इसके अल्टरनेट अपनाएं। और सबसे अच्छा है कि आप जानकारी रखें कि कौन सी प्लास्टिक हमें यूज करनी चाहिए। तो ग्रीन में कभी कोई प्लास्टिक नहीं आती है, इसमें येलो और रेड में ही आती है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि जैसे कि कितना भी कहा जाए कि प्लास्टिक हीट में सेफ़ है, उसको गर्म करेंगे या उसमें कुछ गर्म चीज़ डालेंगे तो सेफ़ है, बट इसको आप प्रैक्टिकली नहीं मानिए, क्योंकि ये कभी सही नहीं हो सकता है कि प्लास्टिक्स में उसमें कुछ भी उसका केमिकल जो है लीच ना करें। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल करके आप कभी भी देखिए, कोई भी प्लास्टिक आइटम आप लें, कोई भी प्लास्टिक का कप लें, कोई भी प्लास्टिक का कोई कंटेनर लें, उसमें एक बहुत ही गर्म चीज़ डालें, आप गर्म पानी ही डालें, फिर इसके बाद उसको पानी को निकालें और उसको टेस्ट करें, उसको पिएं, तो आप जो है उसका स्वाद चेंज आएगा। अगर वही चीज़ अगर आप किसी स्टील में या फिर किसी मेटल में डालते हैं या ग्लास में डालते हैं और इसके बाद अगर आप किसी प्लास्टिक में कोई चीज़ को लेके बाद में दोनों को कंपैरिजन करेंगे अगर, तो हमेशा देखना कि प्लास्टिक में कोई ना कोई इसके टेस्ट में और इसकी ऑर्डर में उसकी गंध में कोई ना कोई चेंज ज़रूर आता है, और वो उस प्लास्टिक की ही वजह से होता है। तो उसको प्लास्टिक कभी भी गर्म करके आप यूज़ ना करें। देन इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, कभी कोई प्लास्टिक आप अच्छी क्वालिटी के लाते हैं तो चलिए ठीक है, और उस प्लास्टिक को आप कोशिश करें कि बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट से धोएं,
बहुत ही तेज डिटर्जेंट उसमें ना लगाएं, जिससे कि वो प्लास्टिक उसमें लीच होने लगे। तो हमेशा जो है माइल्ड डिटर्जेंट से धोएं। देन इसके बाद आता है कि कभी भी कोई भी वाटर बॉटल्स है या फिर कोई भी ऐसा कोई आइटम जिसमें आप रखते हैं खाना, उसको आप गर्मियों के टाइम पे खासतौर से गाड़ी में ना छोड़ें, क्योंकि गाड़ी में जब गर्मियों में उसका गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो टेम्परेचर जब वो बॉटल भी उस बॉटल भी उसमें रखी रहती है तो उसमें भी पानी एक प्रकार से बॉयल जैसा होने लगता है। देन इसके बाद जो है सबसे अच्छा तो यही है कि एक ब्रांडेड बॉटल ही लें हमेशा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। और जब ख़रीदने जाते हैं तो उसमें देखिए कि कहीं अगर उसमें लिखा हुआ है कि BPA फ्री, अगर आपको BPA फ्री बॉटल मिल रही है तो आप BPA फ्री बॉटल ही लें, क्योंकि BPA जो है वो भी एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है जो प्लास्टिक को बनाने में यूज किया जाता है साथ में। तो आप BPA फ्री मिल रही है आपको तो BPA फ्री ज़रूर बॉटल लें, क्योंकि हर एक बॉटल BPA फ्री नहीं होती है। वैसे आजकल जो बॉटल बन रही है वो लगभग BPA फ्री बन रही है, लेकिन वो खाली अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स में है। घटिया क्वालिटी की बॉटल्स में अभी भी BPA वगैरह यूज होता रहता है उसमें, प्लास्टिक के इंग्रेडिएंट में। और इसके अलावा इसके मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में प्लास्टिक के, जिसको आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा, और तब आप जान पाएंगे कि प्लास्टिक वास्तव में कितनी खतरनाक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।